तेरे माथे में बलतीन रे और सुजागात फिर से, अरे चार दिना की चमक चांदनी क्या का घमंड करे सरे, चार दिना की चमक चांदनी क्या का घमंड करे से, तेरे माथे में बढ़ती रे और सुजागात मिले से, तेरे चार दिना की चमक चांदनी अरे क्या का घमंड करे सरे, चार दिना की चमक चांदनी क्या का घमंड करे से। जी ध्यान तो सुनना, हाँ ताऊ भी ताऊ ननू नी बेरा होके रहा है, बैठ जाओ। तो इस टाइम तो नान नोलते तो आए हो, पर इस टाइम से जनरेटर की छुक छुक पे भी नाच देगा ताऊ। हाँ दो मिनट बैठ जाओ, भजन पे ध्यान देना। बताया तेरे माथे में बलतीन रहे सुजिया गात फिर ऐसे, अरे चार दिना की चमक चांदनी क्या का घमंड करे से, इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। कोई बात ना, यो भी अपना हिताओ नहीं दमकाओ ना, इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। पहली बात में बताया, मारे बड़े बुजुर्ग ने कया करे नु समाज में तीन चार चीज है जो पूरी उम्र सेध देंगी दुख देंगी, कौन कौन सी? छोटी बेली, खेत में गैली, दारू की थैली और राम रहीमर की चेली सेध देंगी। ये कई मारी माता भाण जाती बताई, बाबा तो संकट कटवाण ने को बाबा संकट काटिए, अरे बाबा आप जेल में पड़े मच्छर मारे तारे कितना संकट काटेंगे। पर फिर भी इंसान जावेगा इसे इसे भजन रागनिया में जो ब्रह्म ज्ञान है, जो असली ज्ञान है वो किताबात है या किसी अच्छे गुरु तो मिलेगा, इसे गुरु तो नहीं मिले। पहली बात मैंने बताया, इंसान अगर न्यू मानता हो तेरे पास में धन दौलत तो इस बात का घमंड कर लेना सदा नहीं रहना। पहली बात में क्या लिखा कवि ने, क्यों कर मान लिया आए मान लिया तेरे धन भी से या बड़ी बात नहीं से, धन वैश्या यो धन वैश्या के भी हो जा जिका जात जमात नहीं से, कर्म करया दंड पड़े भोगना यो तेरे हाथ नहीं से, मात पिता अरे मात पिता तेरी बहू लाडली तेरा कोई भी साथ नहीं से रे, मात पिता तेरी बहू लाडली कोई भी साथ नहीं से रे, उस नगरी में ले जाया जगा रे 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 रे, उस नगरी में ले जाया जगा जो कई देश परे से, चार दिना की चमक चांदनी क्या का घमंड करे से, चार दिना की चमक चांदनी क्या का घमंड करे से। जात जमात नहीं से, अरे कर्म करया दंड पड़े भोगना यो तेरे हाथ नहीं से, और मात पिता तेरी बहू लाडली तेरा कोई साथ नहीं से, तने उस नगरी में ले जाया जागा जो कई कोस परे से, चार दिना की चमक चांदनी क्या का घमंड करे से। पैसे का घमंड बता दिया, और ये इसी गांव से हरिराम डेलीगेट जी 100 रुपए से मान सम्मान करते, एक बार जोरदार ताली बजा के आप मान सम्मान करो। दूसरी बात मैंने ये बताया कि इंसान को अपने शरीर का भी घमंड नहीं करना चाहिए। कदे न्यू माना तू जवान है सुंदर है, तेरे शरीर के अंदर ताकत है, इस बात का घमंड कर लेना। ये कवि लोग एक बात कहते हैं, नर कर आगे का ख्याल, नर कर आगे का ख्याल मत ना चोड़ा होकर चाल,
बुढ़ापा बैरिया होगा के खेल खिलाओगा। पर आजकल बुढ़ापा भी और डाल का हो गया, ताऊ की डाल लाल परी ने पी कर खतीनू चुचोए डोला है। वो एक बार एक बुढ़ा है ना अस्पताल में चला गया, जाके बोले डॉक्टर तेन डॉक्टर साहब मेरी आंख बना दे ऑपरेशन कर दे कम दिखे है। डॉक्टर भीतर गया चीरा फाड़ी करके ऑपरेशन करके ताऊ का पट्टी बांध दी। और जब वो पट्टी खोली ना आगे एक छोरा खड़ा कर दिया, वो बोले ताऊ देख के बता साफ दिखे है। ताऊ ने ला काड़ा हाथ, बोले ना भाई धुंधला दिखे है। डॉक्टर ने सोची सुसरी ऑपरेशन में कोई कमी रहेगी, दोबारा चीरा फाड़ी करी सारी नस चेक करी, नस बिल्कुल एक्यूरेट। उसने दोबारा पट्टी खोली, बगल में एक छोरा खड़ा था फिर आगे खड़ा कर दिया, बोले ताऊ ये देख के बता साफ दिखे है। ताऊ ने ला काड़ा हाथ, बोले ना धुंधला दिखे। डॉक्टर समझ गया ताऊ और डालका है। बगल में एक नर्स खड़ी थी छोरी, वह खड़ी करी ताऊ का गने को ताऊ ही देख साप दिखे। ताऊ ने ला काट हाथ, बोले भाई कति गच दिखे। बोला अब डॉक्टर बोला ने को ताऊ मेरा न्यू समझ में नहीं आई, ये छोरे तने दिखते नहीं और छोरी तने बिल्कुल साफ दिखी। डॉक्टर बोला अख तने छोरी दिखी छोरे नहीं दिखते। ताऊ बोला बावली बूच ये तो तना आंख बना दी नहीं, इसी इसी छोरी तो मैं भीत मां के देख दू। बुढ़ापा भी और हल्का हो गया, ये भी रंगी लेता हूँ उड़ लागे। लेकिन कवि क्या कहता है दूसरी बात में बुढ़ापा के बारे में, ये लिखा कैसे अरे खून रहना आवे बुढ़ापा और ऊंचाटी होगी, बेटे और बेटिया की बहुत है तेरी तबीयत खाटी होगी, आख्या ते तन कम दिखेगा तेरी रेरे माटी होगी, कोई भी ना तेरी पकड़े आंगली अरे हाथ में लाठी होगी रे, कोई भी ना पकड़े आंगली हाथ में लाठी होगी रे। कहया कर न्यू थके सिर के ए रे 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 हो, अरे कहया कर न्यू थके सिर के घमंड की ये रागनी है कि घमंड नहीं करना चाहिए। इंसान परमात्मा ने इतनी सुंदर जीव दी है जी, अगर कोई भी पराया आदमी हो प्यार से बात करोगे वो अपना हो जाएगा बोलने के तरीके से। इतनी सुंदर जीव इसका इस्तेमाल कोई नहीं करता। वो एक घना पतला छोरा, उसकी माँ उसने डॉक्टर कहने लेगी ना, डॉक्टर साहब इतना पतला आंख लगा के देखा आर पार दिखण के आसार, आर पार दिखाना हो जाए। उसकी माँ लेगी डॉक्टर के, बोले डॉक्टर साहब हमारे छोरे ने देखियो इसका ना घी लागता ना दूध लागता ना बादाम लागते ना चमन परास लागता, खवा खवा का कती हार ली इसका के लागेगा। डॉक्टर ने बोले इस ना घर ले जाओ इसका दाग लागेगा। छोरा बड़ा हो गया, अब बीच का शो एक और सिस्टम चला था बाल बधा के अन्यू वे वुडलैंड के ऊंचे ऊंचे जूते पैर करने को मैं बदमाश हूँ, एक जानू ही बदमाश शरीर में बिल्कुल रेपटे में कांच बगा दे इतना पतला। रेल में बैठा दो आदमियों की सीट पर एकला चौड़ा होकर बैठा, मुंह में सिगरेट लगा रखी धुआं छोड़ रहा, चश्मा लगा रखा काला रात में। अब भाई वो एक छोरा आया पीछे थे, उसका बोला पहलवान तेनू भाई साहब थोड़ा परे ना ले, दो आदमियों की सीट पर बैठे मैं भी बैठ जाऊं। अब उस तकड़ का बोला तू ना बेरा मैं कौन हूँ। अब नू कहते अगला डर गया, सोचा अपना के जुगाड़ है, वो पीछे चला गया। अब वो तो और चौड़ा हो गया, थोड़ी देर में एक और आया आके बोले भाई साहब थोड़ा पर है नोले, दो आदमी एक सीट पर बैठे मैं भी बैठ जाऊँ। बोलता ना बेराम कौन, उस तो और अकड़ का बोले, वो भी डर गया सोचा मैं ना शरीर ही तो पतला है बंदूक बंदूक ले रहे हो के कर दे, बाज गया वो भी। अब थोड़ी देर में एक पहलवान आया, वो पिछले गांव में कुश्ती हार का आया था, गुस्सा तो पीछे का ही उठ रहा था उसके। अब वो चढ़ा रेल में, अब चढ़ते दो आदमी एक सीट पर बैठे चौड़ा हो, उस तो बोले ओ पर है नो मच्छर।
अब उसने तो उसका भी पहलवान था नहीं गई नुकता बेरा है मकून। अब नू कहते तो पहलवान ने पकड़ के उसकी थोथरी रदर ठा लिया। बोले हाँ केस है तू? बोले भाई बीमार सुतले दर्दे मर जाऊंगा। प्यार तो कोई नहीं बोलता, घमंड में बोलेंगे तीसरी कली में कवि नन्नू लिखा के प्यार तो बोलना चाहिए के लिखा कैसे। अरे जब बोले जब आडा बोले चले लगा जुबा के ताला, मन चाहे उत्पात करे तेरा बंदे अगम ते पाला, मात पिता तेरा कुटुम कबीला तू ते जिनका बनया रुखाड़ा, पल भर में एक पल भर में समय ने पलट दे वो लीली छतरी आड़ा, पल भर में समय ने पलट दे लीली छतरी आड़ा, तेरे तन की किस्ती मन का दरिया रे रे रे, तेरे तन की किस्ती मन का दरिया क्यों निर्भय होया फिर से, चार दिन की चमक चांदनी क्या का मन करे से, चार दिन की चमक चांदनी क्या का मन करे से। आखिरी कली आपके बीच में सुनाऊंगा, पूरी रागनी का निचोड़ कोई ध्यान तो नहीं सुनियो। आखिरी कली मैंने बताया कि इंसान घमंड मत कर, जिस परमात्मा ने जिस मालिक को तेरे के जिस मालिक ने तुझे भेजा है जमीन पर क्यों भेजा है, इसलिए भेजा है अगर तू परमात्मा का भजन करे और अपने जो कार्य हैं वे भी करे, शुभ काम करे, कोई पाप नहीं करे, परमात्मा का भजन करना चाहिए। आखिरी कली में किस प्रकार से कवि ने निचोड़ कराया पूरी रागनी का क्या लिखा कैसे। तू किसे की भी कोन्या माने इसी तेरी के अस्ति होगी, एक दिन उजड़े गा और जागा या नगरी न्यू बसती होगी, देवी दत्त कहे तेरी वृद्ध अवस्था में भवर बीच किसती होगी, उस दिन नखरे रूप जवानी तेरी सब ते सस्ती होगी, उस दिन नखरे रूप जवानी सब ते सस्ती होगी, एक साल कमा के खा